सो गाइस इस वीडियो में हम बात करें यार कि अगर आपकी एंगेजमेंट वो जो वो ड्रॉप हो चुकी है, मतलब पहले से जो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे, तो गाइस क्या स्टेप्स आपको करनी है, जो मेजर स्टेप्स आपको उठानी है, इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल से जान लेंगे यार आपको। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा, जो भी इसमें जो स्टेप बता रहे हैं यार उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके आपकी जो 100% से आप जो ग्रोथ और एंगेजमेंट ज़रूर बढ़ा सकते हो। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं यार। जो पहली जो रीज़न आपको बता रहा हूँ यार, जो कि आपकी एंगेजमेंट क्यों डिक्रीज हो सकती है, मतलब ड्रॉप अचानक से एंगेजमेंट आपकी ड्रॉप क्यों हो सकती है, मतलब इसका रीज़न है यार जो आपके फॉलोअर्स है यार वो बहुत ही इनएक्टिव हो चुके होंगे। मतलब ये भी हो सकता है यार, अगर किसी वेबसाइट्स पे आप आपकी फॉलोअर जो खरीद करके ले सकते हो, जो मतलब बहुत सारी वेबसाइट ऐसे है जो फेक फॉलोअर्स भी सेल करती है, अगर वहाँ से आप आपकी फॉलोअर्स को गाइस खरीद चुके हों तो उसमें जो बहुत सारे बॉट्स अकाउंट्स भी यहाँ पे हो चुके होंगे। आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट कर लूँगा गाइस, जो वेबसाइट आपको बताती है गाइस कि अगर आपकी वेबसाइट आपकी फॉलोअर्स कितनी मतलब कितनी फेक है और कितने बॉट है। यहाँ पे जो एक वेबसाइट दिख रहा है गाइस आपको मोडास डाटा बोल के, यहाँ पे आपको जाके आपकी जो यूज़र नेम है उसको आप टाइप करके आप आपकी जो फॉलोअर्स जो कितनी एक्टिव है और कितनी बॉट्स है वो सब कुछ आपके यहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों को यही रीज़न हो रहा है कि गाइस वो आपकी फॉलोअर जो इनएक्टिव है, इसलिए आपको लाइक्स कमेंट जो नहीं मिल रहे। गाइस जाओ उस वेबसाइट पे, आप अपनी जो फॉलोअर्स है उसको चेक कर लो कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं यार, जो सेकेंड स्टेप जो हमारी थी उसके बारे में हम बात करते हैं। जो बहुत ही बार टाइम गैप के बाद अगर आप पोस्ट कर रहे हो, मतलब जो आप पहले जो लाइक्स और कमेंट्स आपको मिलते थे उसके बहुत टाइम बाद आप अगर अपनी क्वालिटी जो कंटेंट की आप पोस्ट कर रहे हो, तो गाइस इस तरीके से भी अब होता है। मतलब जो भी गाइस बात करें, अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप किसकी भी अगर बात करें, तो गाइस व्हाट्सएप पे तो नहीं लाइक्स जो नहीं देख सकते, लेकिन अगर दूसरी अगर वेबसाइट की अगर बात करें तो गाइस इनमें सब गाइस आपको टाइम गैप नहीं देने के लिए। अगर आप टाइम गैप दे रहे हो तो गाइस आपको थोड़े वेट करनी होगी, 100% आपकी जो इंस्टाग्राम की जो रीच है यार ज़रूर डेफिनेटली आपको बढ़ा देगी। तो गाइस अब बात करें तो यार जो इसमें जो आपकी एंगेजमेंट आप कैसे बढ़ानी है, तो गाइस आपको जल्दी सिंपली आपको बहुत लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको जो एक ऑप्शन मिलता है यार आस्क मी एनीथिंग, इसका आपको यूज़ कर लेनी है, और आपको आपकी फॉलोअर्स के साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ानी है, उनको पूछने के गाइस आपको क्या कौन सी कंटेंट आपको पसंद आ रही है मेरी और क्या मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप उनके सब आस्क मी एनीथिंग में आप पूछ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स है जो उसे काउंटडाउन भी आप लगा के उन्हें हाइक कर सकते हो, मतलब गाइस अभी 24 आवर्स में मेरा न्यू प्रोफाइल आ रही है उस पर लाइक बढ़ा सकते हो। इस तरीके से कुछ करके गाइस आपको एंगेजमेंट बढ़ा के रखनी है। अगर आपको मैं सेकंड गे स्टेप अगर बताऊं तो गाइस आपको जो करनी है यार वो वीडियो कंटेंट आपको पोस्ट करनी है गाइस। बहुत ही मेरा यकीन करो यार, वीडियो कंटेंट अगर आप डाल दोगे ना गाइस आपकी जो स्टोरी आपकी जो प्रोफाइल में गाइस वीडियो कंटेंट बहुत ही अच्छी से रैंक कर लेती है इंस्टाग्राम, जो बहुत ही बढ़िया उनको आगे प्रमोट कर देती है गाइस। क्योंकि यार इंस्टा बड़ी बड़ी जो प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे यार, टिकटॉक यूट्यूब ये सब वीडियो के ऊपर डिपेंड होते हैं गाइस। वीडियो कंटेंट अगर पोस्ट करोगे ना यार आपकी जो प्रोफाइल है यार वो बहुत ही अच्छी से बूस्ट हो सकती है। और अगर गाइस आपको लास्ट जो स्टेप बताने वाला हूँ यार वो है गाइस आपकी जो इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट जब भी करते हो यार पोस्ट की अगर आपको उनमें कैप्शंस डालनी होगी, अच्छी अच्छी तरीके से आपकी कैप्शन डालनी होगी, हो सकते होगा गाइस उस कैप्शन में सब लिखा होगा जो आपको लिखना है, मतलब प्रोफाइल पिक्चर कौन निकाला है और कहां से निकाले सब उसको, जितनी लॉन्ग अगर आप प्रोफाइल पिक्चर की जो कैप्शंस आप रखोगे ना गाइस उतनी अच्छे से आपकी जो प्रोफाइल जो वर्क करेगी। क्योंकि गाइस अगर आपकी पोस्ट में अगर उतनी कितनी टाइम स्पेंड करोगे उतनी एल्गोरिदम इंस्टाग्राम की जो रहती है यार उतनी उसको आपकी प्रमोट कर देगी। क्योंकि गाइस बहुत लोग होते हैं यार जो अपनी पोस्ट पर कैप्शंस नहीं यूज़ कर सकते, इस गाय की आप देख सकते हो यार, मतलब ये अपनी पोस्ट पे जो अच्छे तरीके से कैप्शन डाल के रखा है, मतलब हैशटैग भी यूज़ कर रखा है। और आपको गाइस हैशटैग अगर यूज़ नहीं करने आता तो गाइस राइट साइड में यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक शो रही होगी, उसके ऊपर जाके आप हैशटैग्स कैसे लगानी है उसके भी देख सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं यार फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की, अगर बात करें तो गाइस हैशटैग की, अगर हैशटैग्स लगाना बहुत ही बिल्कुल ज़रूरी है गाइस, हैशटैग्स आपको लगा लेनी है। हैशटैग्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर गाइस आपके अगर हैशटैग अगर रैंक कर देते हैं ना गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हैशटैग्स बोल के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ,
टैग्स बोल के, जो भी प्रोफाइल पे पर आपकी हैशटैग रह जाती है यार, हैशटैग की जो भी ऑडियंस है आपके प्रोफाइल पे ज़रूर आ जाएगी। अगर आपकी उनको आपकी कंटेंट पसंद आई थी गाइस, आपको यहाँ पे ज़रूर उन्हें फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, इतनी अगर हेड स्टाइल बोल के आपकी अगर हैशटैग लगा दे रहे हैं गाइस, 220 पोस्ट है और इनकी जो फॉलोअर्स और लाइक्स इनके ऊपर आपकी जो मार रहे थे लाइक्स, अगर इनकी जो प्रोफाइल में आपकी जो फ़ोटो शो हो गया ना गाइस, तो ज़रूर आपकी प्रोफाइल को भी लाइक पड़ेगी और आपकी प्रोफाइल की भी जो एंगेजमेंट ज़रूर बढ़ेगी। और अगर बात करें तो गाइस लास्ट एंड फाइनल स्टेप की अगर बात करें तो गाइस, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट भी आपको ट्राई कर लेने, मतलब ऐसे नहीं अगर आपको सीधा सिंपल फ़ोटो क्लिक किया और पेस्ट कर दिए, उसको थोड़ा एडिटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो। एडिटिंग करके भी आप जो अपनी फ़ोटोज में अच्छी तरीके से जो एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो गाइस इंस्टाग्राम पूरा का पूरा एडिटिंग पे ही चलता है यार। अगर आप एडिटिंग की फ़ोटो अगर डालोगे गाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे और आपकी जो रीच भी ज़रूर बढ़ेगी। और आपको लास्ट जो बोनस टिप अगर दूंगा गाइस, कि उस तरीके से बॉर्डर आप भी लगा सकते हो, जो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है बॉर्डर्स और उसके ऊपर ब्लू टिक भी आ रहा है, उसको आपको कैसे लगाना है यार, जो राइट साइड पे आपकी वीडियो की जो लिंक शो हो रही है उसको देख के आप इस तरीके से लगा के अपनी एंगेजमेंट और रीच ज़रूर से बढ़ा सकते हो गाइस। होप ये मेथड्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और ये मेथड्स मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ करके आपकी जो रीच है उसको भी बढ़ा सकते हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।